Hello dosto, kya haal chaal hai? Main aapki host hoon Aiman Hassan aur aap top 10 Hindi videos dekh rahe hain. Acha mujhe pata hai ki hum sab log at least ek umar pe astronaut banna chahte the. Aur kyun nahi? NASA ke sath upar chand pe land karna ya Mars jaane ki koshish, sapna to acha hai. Magar main manti hoon ki hum yahan akele nahi hain. Itni bari duniya aur itni bari Milky Way, aap mujhe batao ki sirf hum insaan zinda hai? Nahi. बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ. We've had communication, we've had signals, there is proof, and we're about to see exactly what that is. As always, guys, channel को subscribe करो, like करो, share करो, क्यों नहीं? But without further ado, this is the top 10 scary signals from space. 10 पे है KOHAWA cosmonaut. 1960 में दो इटालियन भाई थे जिनका नाम जुडिका को डिग्लिया ब्रदर्स था और वो एमेचर रेडियो काम वाले थे और उनको एक रिकॉर्डिंग मिली जो वो मानते थे कि वो सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम से था. 60s में सोवियत यूनियन ने बहुत कॉस्मोनॉटों के डेथ्स छुपाए थे और वो कहने लगे कि वो स्पेसक्राफ्ट में शुरू से कोई बंदे ही नहीं थे. Sounds a bit fishy to me, but okay. November 1960 में उन्होंने एक औरत की SOS सिग्नल ढूंढी जो अर्थ पे वापस आ रही थी. रिकॉर्डिंग से लग रहा था कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ मैलफंक्शन हो रहा था या कुछ सही तरह से काम नहीं कर रहा था. रिकॉर्डिंग में रशियन में वो बोलती है कि I'm hot seconds before the spacecraft burnt up. I mean, that's just absolutely haunting. मगर रशियंस ने बोला कि एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जल गया था और उन्होंने ये औरत के बारे में कभी नहीं बात की. Shady. Coming in number 9 is the black hole. अगर आपने इंटरस्टेलर देखा है तो आपको डेफिनेटली ब्लैक होल्स में इंटरेस्ट होगा और अगर नहीं देखा वैसे भी इंटरेस्ट हो सकता है. I've always been fascinated with black holes. I mean, I've always heard that if a human entered one, our atoms would stretch exponentially and then we'd just cease to exist. 2011 में एडवर्ड मोगन जो MIT पे काम करते हैं ने कोई एक्सरे डेटा कलेक्ट की थी एक दूर ब्लैक होल की और ये ट्रांसमिट करके एक आवाज बना दिया था जो हम आम इंसान भी सुन सकते हैं. असल में आवाज बहुत डीप तरह का है, दुनिया की सबसे डीपेस्ट आवाज. कैन यू इमेजिन? द साउंड इटसेल्फ साउंड्स लाइक एनीथिंग दैट एंटर्ड दैट ब्लैक होल वुड इमीडिएटली बी सक्ड इनटू द ईथर नेवर टू बी हर्ड फ्रॉम अगेन. लेट्स हैव अ लिसन. और जो छोटे स्किप्स आपको सुनाई देंगे वो इंफ्रारेड जेट्स हैं जो ब्लैक होल से निकल रहे हैं. Crazy. अब हमारा 8 नंबर पे है द लॉरिमर बस. और अब मैं जिमी न्यूट्रॉन बन रही हूँ आपको एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए. जिमी न्यूट्रॉन, यू गाइस हैव टू हैव सीन इट. एक फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB एक रेडियो पल्स होता है जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीसेकंड लास्ट करता है या 2 या 3 मिलीसेकंड्स के लिए और ये कोई हाई एनर्जी प्रोसेस की वजह से होता है जो हमने अब तक नहीं डिस्कवर किया है. साइंस लेसन खत्म. तो 2001 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पहला FRB डिस्कवर किया था और उन्होंने उसका नाम लॉरिमर बर्स्ट रखा. ये बर्स्ट 5 मिलीसेकंड के लिए भी नहीं लास्ट किया और ये बर्स्ट 5 या 11 मिलियन लाइट ईयर्स दूर था. तो जब ये किस्सा हुआ हमारा अर्थ बना भी नहीं था. मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है. वो 5 मिलीसेकंड्स के अंदर ये सिग्नल ने इतनी एनर्जी रिलीज की थी कि हमारा सूरज भी 4 महीने के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रिलीज कर सकता है. दैट जस्ट स्पूक्स मी द हेल आउट बिकॉज फॉर अस मी इमोर्टल्स द सन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स इन आवर यूनिवर्स एंड फॉर दिस सिग्नल टू बी स्ट्रॉन्गर देन द सन वेल आई एम काइंड ऑफ सुपर इंटरेस्टेड टू नो वेयर ऑन अर्थ इट केम फ्रॉम. वेयर ऑन अर्थ, यू गेट दैट पन? That's ironic. 7 पे है टैबी स्टार या उसका असली साइंटिफिक नाम KIC 8462852. मगर मेरी आसानी के लिए हम उसको बस टैबी स्टार बुलाएंगे. ये स्टार सिग्निस कॉन्स्टेलेशन में है और वो 1470 लाइट ईयर्स दूर है हमसे. तो वहाँ फ्लाइट जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. मगर ये स्टार कुछ अजीब चीजें कर रहा था. साइंटिस्ट ने ढूंढा कि इस स्टार की रोशनी की लेवल ऊपर नीचे हो जाती है और छोटा सा फर्क नहीं है. उन्होंने ढूंढा कि इस स्टार की रोशनी 22% और अंधेरा हो जाती है और वो बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क है. साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डायसन स्फीयर है. डायसन स्फीयर इज अ प्रपोज्ड एलियन स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू एनक्लोज एन एंटायर स्टार इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट ऑल इट्स पावर.
KOHAWA. बहुत अरसों के लिए डायसन स्फीयर बस एक आइडिया था, मगर इस स्टार को ढूंढने के बाद लोग मानते हैं कि शायद ये असली हो सकता है. Coming in at number 6 is Saturn. The Cassini-Huygens mission, I hope I said that right, एक collaboration था NASA और European Space Agency के साथ, और ये पहली spacecraft थी जिसने Saturn का orbit enter किया था, which is a pretty big feat if you ask me. 2002 में ये spacecraft ने उसका aurora record किया था, जो planet के बड़े magnetic fields के वजह से बनता है. और obviously हम signal को नहीं सुन सकते हैं, तो उन्होंने आवाज बहुत आहिस्ता कर दिया है हमारे लिए, और आवाज बहुत drawny lagti hai, like straight out of a horror movie type thing. Ab hamara panch number pe hai frequency 4462.3. Now the really interesting thing about this signal is the fact that its source is a star, and it's been the closest source to us that we've seen on this list. Ye sitara ka naam TYC-1220911 hai, aur ye sirf 100 light years dur hai. Haan, ye phir bhi dur hai, magar list se compare karke bahut nazdeek hai. Ye star ne 10 second ki signal di hai humko, aur scientists sochte hain ki asal mein alien se aayi hai, kyunki hamare bahut kareeb hai, to shayad wo hamare jaise conditions mein reh rahe hain aur hum jaise hain. 4 pe hai the wow signal, which sounds a bit like an advert for signal toothpaste, to be fair. Wow signal, buy it for $3 today. 1977 mein Ohio State University ki telescope ne ek signal detect ki thi Sagittarius constellation se, aur sunne ke baad aapko lagega ki koi alien microphone ke aage saans le raha hai. Sachi signal 72 seconds ke liye tha, aur signal ne unko itna hairan chhora ki unhone kagaz ke side pe wow likha, hence the name. Adjustment ke baad signal aise sunai deti hai. Saas lag raha hai ya nahi? Comments mein mujhe batao. Coming in at number 3 is the cosmic roar. Jo Katy Perry ke naye gana ka naam ho sakta hai, magar is kahani mein wo shamil nahi hai. Sorry to all you Katy Perry fans out there. American Astronomical Society ki 213th meeting pe unhone ek unchi signal discuss ki thi. Is list mein bahut unchi signals hai mujhe pata hai, magar ye shayad sabse unchi thi. 2006 mein unhone ek roar suni jo 6 baar aur unchi thi unki prediction se. This roar they heard was 6 times bigger than all combined radio wave sources ever heard. Roar indeed. Aur do pe hai SHG602+14A. Haan, mujhe pata hai ki ye kuch robot ka naam lagta hai, magar nahi, please baaz aa jao. Ye ek radio signal source ka naam hai jo scientists ne discover kiya tha, magar ajeeb baat thi ki ye signal khali space se aa rahi thi. Ye space Aries aur Pisces ki constellations ke beech mein se aa rahi thi, magar signal ke aas paas koi planets ya sitare nahi hai 1000 light years ke liye. However, through a sheer miracle of science, a signal actually reached us from there. Signal 1420 MHz pe aayi thi, aur ye interesting hai kyunki hydrogen is frequency pe energy leti hai, aur ye element duniya ki sabse aam hai. This is actually a really big deal because scientists have thought to use hydrogen to contact extraterrestrial life forces before, so the fact that we received a signal at this frequency is insane. I mean, someone could be trying to contact us this very second. I mean, well, not this very second, probably way in the past now. They've probably forgotten they've even tried it, but still, kuch hai to say. Aur aakhri ek number pe hai the blinking stars. Nay, agar aap aasman ki taraf dekhe koi stars aapki taraf blink ya wink nahi karne wali, to beshak wapas bhej jao. 2016 ya Canada mein astronomers ne 234 sitaron ko dhoonda jo sare ikatthe blink kar rahe the. 234. Ye chota number nahi hai yaar. Eric Chartier, jisne in sitaron ko dhoonda tha, manta hai ki ye काम एलियंस की वजह से है. वो कहता है कि ये ब्लिंकिंग एलियंस की वजह से है क्योंकि वो हमारे तरफ एक लेजर पॉइंट कर रहे हैं, और ये लेजर एक छोटा मगर देखने वाला फर्क प्रोड्यूस कर रहा है इन दूसरी सितारों के लाइट में. एंड इफ दिस थ्योरी डजंट टिकल योर फैंसी, देन व्हाट अबाउट दिस वन? कोई दूसरे लोग भी मानते हैं कि ये सारे सितारों अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, और वो इकट्ठे काम कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए. दैट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट, आई एम नॉट गोना लाई. और गाइस, अब हमारे लिस्ट खत्म हो गया.
क्या है इस लिस्ट में आपको कौन से सिग्नल अजीब लगे Do you guys believe we're not alone or do you think aliens just aren't real कमेंट्स में मुझे बताओ मगर वीडियो खत्म होने से पहले हम कोई कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते Hillary Conover says Hi I live in the US and I love your videos I watch with subtitles I don't know which road I would drive on they all look scary certainly not number one That's so cool that you're watching from the US I'm really glad people are starting to watch it even though they don't understand Hindi Let me know what you guys think like I love that and also I would not drive on any of those haunted highways just FYI Satish Gaja says I'm still waiting for you and Abby to be in a video honestly so am I I feel like if you comment it more and more eventually we will do one together so just keep at it and last but not least story lover Niwa says yes my brother and I found a small weird room behind a water heater closet in a house once we were running around while our parents were looking at the house everyone else was upstairs when we found it but came running when we yelled it was painted floors walls and ceiling in the sticky stinky red brown paint we left right away but I've always wondered what the hell the purpose of that room was oh my god that just sounds like something out of a horror film I really hope you never enter that house again or that room for that matter let me know what actually happened after that I'm intrigued to know but that's all for today's video guys main aapki host hu Aiman Hassan and I'll see you next time khudafiz